गई हूँ ढाकुरिया में और बुल्डी को अपना फ्रेंड दिख गई है यहाँ पे, तो बात करने लगी है। बट हम लोग का ट्रेन भी आ रहा है अभी, हम लोग ये ट्रेन लेके जाएंगे सियालदा और फिर सियालदा से जाऊंगी शांतिपुर। सियालदा लिखा है अभी ट्रेन में, सुबह का टाइम है तो थोड़ा सा जल्दी जल्दी अभी जा रही हूँ क्योंकि नेक्स्ट रन का टाइम हो गया है। तो मिल गया है हम लोग को 9:35 वाला ट्रेन, अभी जा रही हूँ पायराडांगा। आ गए हैं हम लोग अभी पायराडांगा और पहले यहाँ पे कुछ रिलेटिव लोग हैं तो वो लोग के घर जा रही हूँ, फिर वहाँ से हम लोग जाएंगे फूलिया। बुल्टी थोड़ा सा साड़ी देखेगी, मैं भी देखूँगी। वैसे बुल्टी का बहुत सारा साड़ी ऑलरेडी खरीदारी हो चुका है, फिर भी वो साड़ी देखने से बाज नहीं आती है। हमार सनग्लासटा अच्छा থাক, এখন লাগবে না। রোদ আছে ভালোই, মানে দম বন্ধ হয়ে গেল একেবারে। এইটা কম্পারেটিভলি ফাঁকা, রবিবার বলে উইকডেজ হলে তো এই টাইমে উঠতেই পারতে না, অফিস টাইম এত মারামারি হয়ে। पहुंच गई हूँ पायराडांगा और ये भैया आ गए थे स्टेशन में रिसीव करने के लिए। वैसे इसी भैया का बेटा का आज स्पोर्ट्स हो रहा है, बट ठीक है अभी हम लोग इनके रिलेटिव के घर जा रहे हैं। अरे देखा है कल के बाइक के खेची गुतो एक वीडियो करा चौक कर। अभी हम लोग आ गए हैं और भैया आ गए थे स्टेशन में हम लोग को रिसीव करने के लिए। और एक्चुअली भैया का बेटा का आज स्कूल का प्रोग्राम है, तो पीछे यहाँ पे ग्राउंड है, इसी ग्राउंड में आवाज भी सुनाई माइक बज रहा है, तो इसी ग्राउंड में उनका बेटा का आज स्पोर्ट्स डे है, एनुअल स्पोर्ट्स डे। भैया का कोई एक रिलेटिव है तो उनके घर में अभी आई हूँ और फिर यहाँ से वोटअप कर जाऊँगी। चलो यहाँ पे ही हो रहा है भैया का बेटा का स्पोर्ट्स, तो बोली कि ठीक है चलो थोड़ा सा देख लेते हैं। ये है भैया का बेटा, अभी पूरा मैगी खाने में बिजी है, थोड़ा देर में इनका परफॉर्मेंस है। एक राउंड के बाद अभी ब्रेक मिला है, तो ये है एक और बहन है, उसका बेटा है, तो अभी रेडी होने के लिए आया है, जल्दी जल्दी ड्रेस चेंज करना है। ये है भैया का बेटा, ये भी कर रहा है अभी, ये यही बहन है, इसका बेटा भी जल्दी जल्दी भाग रहा है क्योंकि सबका एक के बाद एक परफॉर्मेंस है। अभी हम लोग भी जाएंगे फिर से देखने के लिए, तो ये यहाँ पे अभी तक रेडी हो रहा है, ये इसका हो जाएगा फिर जाएंगे। मैं और बुल्टी थोड़ा सा जा रही हूँ, थोड़ा देर स्पोर्ट्स देख रही हूँ और फिर आके बैठ रही हूँ। एक्चुअली मैं सोची थी कि थोड़ा सा, और ये बुल्टी देख, सोची थी कि थोड़ा सा हाँ यहाँ पे रील्स बनाऊंगी, बट अभी यहाँ पे तो स्पोर्ट्स हो रहा है। तो जो भैया का घर है, तो भैया के घर के वहाँ पे आसपास में बहुत खाली जगह था, तो देखती हूँ कितना बजे ये ख़त्म होगा या फिर कब हम लोग भैया लोग के घर जाएंगे, तो फिर वहाँ अगर जा पाऊँगी क्योंकि हम लोग को फुलिया भी जाना है, तो अगर जल्दी जल्दी वहाँ जा पाऊँगी तो वहाँ जाके एक दो रील्स बना लूँगी। इसीलिए मैं थोड़ा सा सच के भी आई थी कि चलो ठीक है रील्स बना लूँगी, इसलिए अच्छा सा ड्रेस पहन के आई हूँ इतना गर्मी में भी, बट ठीक है अभी देखती हूँ क्या होता है। जा रही हूँ अभी एक और भैया के घर टोटो में चढ़ के। एलाम अभी सबको ही मिलके जा रहे हैं एक यहाँ पे ही, मैं बोली कि रील्स बनाना। ये एक और भैया के घर में आई थी, तो वो भैया का बेटी वो भी आई है हम लोग के साथ, तो वो दिखा के लेके जा रही है। यहाँ पे सामने में ये ग्राउंड है, तो वहाँ जाके करूँगी। चल खेत पहुँचाई कोनोरको में। बहुत साल के बाद हम लोग यहाँ पे आए हैं, जब मैं छोटी थी स्कूल में पढ़ती थी उस टाइम पे आई थी यहाँ पे लास्ट, उसके बाद और नहीं आई, तो अभी बहुत साल के बाद आई हूँ। एंड लेकिन फिर भी याद था कि यहाँ पे एक खेत जैसा है, एंड मैं सोच के आई थी कि इधर ही रील्स बनाऊँगी, तो वो वाला मिल गया है यहाँ पे। आई थिंक ये सरसों का है क्या चीज़ का है, आई डोंट नो, बट जो भी है तो ये भी देख रही हूँ, बहुत सुंदर लग रहा है। यहाँ पे तो ग्रीनरीज बहुत है एंड बहुत सुंदर लग रहा है, व्यू बहुत अच्छा है।
यही एक और भैया है इसके घर में ही अभी जाके बैठे थे। अभी हम लोग जल्दी जल्दी जा रहे हैं क्योंकि लंच करके निकलना है, 2 बज गया है, हम लोग को फुलिया भी जाना है। चल बुलटी तारा तारी ए बार अनेक रील्स शूट हो, इतना देर तक मैं रील्स कर रही थी। जल्दी जल्दी मैं थोड़ा सा खा के अभी आ गई हूँ फिर से स्टेशन, अभी जा रही है फुलिया। एंड फुलिया ट्रिप टू बी कंटिन्यूड इन द नेक्स्ट व्लॉग। आई होप आपको आज का ये छोटा सा व्लॉग देखने में अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय। देखिए रास्ता है।